गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठहर में। और जैसा कि हम रोज़ वीडियोस डाल रहे हैं अपने चैनल पर छोटे बच्चों की किताबों की, उसी श्रृंखला में आज भी हम एक और नई वीडियो लेकर आए हैं। क्लास थर्ड की विज्ञान की जो बुक है उसका एक चैप्टर है सुरक्षा के नियम। तो प्यारे बच्चों, आज हम सुरक्षा के नियमों के बारे में बताएंगे, कहाँ कहाँ हमें सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, कहाँ ध्यान रखना चाहिए, किसका ध्यान नहीं रखना चाहिए, क्या उसके अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो क्या उसके उपचार करने चाहिए, इन सब के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, बने रहिएगा हमारे साथ अपने चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठहर के साथ, और आनंद लेते रहिएगा इस सुंदर सुंदर वीडियोस का, सुंदर सुंदर जो आपके चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं उनका आनंद लेते रहिए, उनसे कुछ सीखते रहिए और समझते रहिए, और अपने ज्ञान की जो वृद्धि है उसको हमेशा बढ़ाते रहिएगा। तो बच्चों, अभी हम समझाएंगे आप सुरक्षा के नियम कि कहाँ हमें सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, घर में सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, और खेल के मैदान में कैसे करनी चाहिए, विद्यालय में सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, ठीक है, या हम बाहर सड़क पर जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, तो हमें कैसे सुरक्षित रहना चाहिए, सुरक्षा वहाँ पर हमें अपनी कैसे करनी चाहिए, इन सब बातों की जानकारी आज हम देने वाले हैं इस चैप्टर के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से। तो आइए, अब हमको सिखाते हैं और पढ़ाते हैं और समझाते हैं कि सुरक्षा के नियम क्या हैं, उनको पढ़ते कैसे हैं किताब, ये सब हम आपको समझाने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ अपने चैनल के साथ आरपी पुलिस को जोगीठहर के साथ। तो चलिए, अब पढ़ते हैं अपनी किताब। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ते हैं इस किताब के चैप्टर को जो हमने अभी बता रहे थे कि सुरक्षा के क्या नियम है, कहाँ हमें कैसे सुरक्षा बरतनी चाहिए। तो आज हम किताब लेकर आए हैं, क्लास थर्ड की किताब है स्काईलाइन बुक, विज्ञान जगत। तो विज्ञान में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को सीखने को मिलती हैं, लेकिन आज हम आपको सिखाएंगे बच्चों कि सुरक्षा के क्या नियम है और कैसे हमें उनको अपनाना चाहिए, कहाँ पर उनका ध्यान रखना चाहिए। तो ये पार्ट नंबर 10 है बच्चों, सुरक्षा के नियम इसका नाम है। ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि क्या सुरक्षा का नियम है और कहाँ पर हमें किसकी कैसी सुरक्षा करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, वो सारी बातें इसमें सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं किताब को पढ़ना। तो प्यारे बच्चों, लिखा है, ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे, अपनी किताब खोल के बैठेंगे और जहाँ हम पढ़ रहे हैं वहीं पे अपनी अपनी उंगली या अपना कलम जो है रख लेंगे अपने अपने घर में वीडियो देखकर, जिससे कि आपको सही से पढ़ना आ जाए। तो लिखा है, किसी व्यक्ति के अचानक, देखिए लिखा है अचानक, अ चा चापा का डंडा न अक, अचानक चोट लगने को दुर्घटना कहते हैं। यानी कि जब अचानक कोई घटना घट जाती है, अचानक कोई कुछ बुरा हो जाता है, कहने का मतलब किसी के साथ में, तो उसी को हम बच्चों कहते हैं दुर्घटना, यानी कि बुरी घटना। दुर माने बुरी, घटना मतलब घटना, कोई हादसा हो जाना, तो बुरी घटना को ही हम दुर्घटना कहते हैं। दुर्घटना कहीं भी तथा कभी भी हो सकती है। दुर्घटना का कोई पता नहीं कहाँ हो जाए, कब हो जाए, क्योंकि दुर्घटना का तो टाइम नहीं होता ना, तभी तो दुर्घटना कहलाती है। लिखा है प्रायः, यानी कि अक्सर, प्राय का मतलब अक्सर होता है, अक्सर जो दुर्घटनाएँ होती हैं लापरवाही, यानी कि हम जो जल्दबाजी करते हैं और लापरवाही करते हैं, ध्यान नहीं देते किसी चीज़ का और जल्दबाजी में कोई काम करते हैं, उसी के कारण होती हैं। अब जो लिखा है वही पढ़ेंगे, प्रायः दुर्घटनाएँ लापरवाही और जल्दबाजी के कारण होती हैं। दुर्घटनाएँ रोकने के लिए हमें सावधान रहना चाहिए। पर जो दुर्घटनाएँ कम हों या ना हों, उसके लिए हम जहाँ भी रहें, जहाँ भी चलें, जहाँ भी खेलें, जहाँ भी जाएँ, हमें बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है और सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। सुरक्षा के नियम बनाए हैं, कुछ तो कानून ने बनाए हैं, कुछ यातायात ने बनाए हैं, बहुत सारे नियम हैं, या घर पे हमारे जो बड़े लोग हैं वो बना देते हैं, तो हमें उनका हमेशा पालन करना चाहिए। सुरक्षा के प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। अब प्यारे बच्चों, जो नियम है वो हम समझाते हैं। अभी हमने बताया था कि हम घर में सुरक्षा कैसे करें और खेल के मैदान में कैसे करें। तो ये लिखा है, देखो घर में कहकर हमें सुरक्षा के नियम का पालन करना चाहिए, वो लिखा हुआ है यहाँ पर। देखो नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 लिखा है, बिजली के उपकरण क्या होते हैं, बिजली का जो सामान है, जैसे बोर्ड है, प्लग है, बल्ब है, या जो प्रेस होती है, हम लोग कपड़े प्रेस करते हैं वो है, या फ्रीजर है, ठीक है, पंखा है, कूलर है, टीवी है, बहुत सारे उपकरण होते हैं बिजली के। तो बिजली के उपकरणों तथा नंगे तारों को नहीं छूना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, कुछ कुछ बच्चे, छोटे बच्चे नादान होते हैं, तो कहीं अगर सॉकेट खुला है तो उसमें कोई लकड़ी डालने लगता है, कोई ऐसे तारों को देख घुसड़ने लगता है। बच्चों, ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। बिजली के उपकरणों को गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि गीले हाथ में पानी की लाग होती है और जो बिजली होती है पानी से बनती है, तो पानी में बिजली का जो करंट है वो आ जाता है, ऐसा करने से करंट लग सकता है। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें अपने घर में जो बिजली के नंगे तार हैं या कोई सॉकेट है नंगा है या कोई प्लग है, तो उसका हमें नहीं छूना चाहिए। आगे लिखा है, देखो रसोई घर में गैस सिलेंडर के पास स्टोव, माचिस आदि नहीं जलाने चाहिए।
गैस सिलेंडर रखा हुआ है, उसको पहले अगर जलाना भी है तो पहले हमें देख लें कि उसका जो रेगुलेटर है बंद है, और जो चूल्हे का जो जो ऑन ऑफ करने का स्विच होता है वो बंद है कि खुला है, अच्छे से परख लें, जाँच लें। पहली बात तो हमें सिलेंडर के आसपास कोई ज्वलनशील चीज़ नहीं रखनी चाहिए, माचिस नहीं जलानी चाहिए, मोमबत्ती नहीं जलानी चाहिए। गैस सिलेंडर को आग से दूर रखना चाहिए, जहाँ हम आग का काम करते हैं उससे हमें दूर सिलेंडर को रखना चाहिए। अगला देखो पॉइंट है, दीवार अथवा खिड़की पर नहीं चढ़ना चाहिए। कोई बच्चे दीवार पर चढ़ते हैं या खिड़की पर चढ़ते हैं, ऐसा करने से आप फिसल कर नीचे गिर सकते हैं और आपको चोट लग सकती है। तो प्यारे बच्चों, हमें ऐसा हमें अपने घरों में नहीं करना चाहिए, इसकी सावधानी बरतनी चाहिए। कभी कोई कुछ बच्चे होते हैं, कुछ शरारती टाइप के बच्चे होते हैं, मना करने के बाद हम नहीं मानते हैं, तो प्यारे बच्चों हमें अपनी भूल का सुधार करना चाहिए जिससे कि हम सुरक्षित रह सकें। लिखा है, नायलोन सिल्क या टेरिलीन के कपड़े पहने हुए आप आग के पास ना जाएं। ये बहुत सिल्की कपड़े होते हैं, बहुत वैसे आग पकड़ने वाले या सिकुड़ जाने वाले कपड़े होते हैं ये, तो उन कपड़ों को पहनकर हम आग के पास ना जाएं। जलती हुई मोमबत्ती को प्लास्टिक के पास ना रखें। कुछ लोग क्या करते हैं, मोमबत्ती जलाई और लकड़ी पर या प्लास्टिक की किसी टेबल पर किसी भी स्टूल पर रख देते हैं, वो जलते जलते नीचे पहुंच जाती है और वो टेबल या स्टूल जो भी होता है उसको भी जला देती है। इससे घर में आग लगने का खतरा बना रहता है। इसलिए बच्चों, हमें मोमबत्ती जलाकर प्लास्टिक की वस्तुओं पर नहीं रखनी चाहिए, लकड़ी की चीज़ पर भी नहीं रखनी चाहिए। अगर लिखा है बच्चों, डॉक्टर अथवा माता पिता की सलाह के बिना घर में रखी किसी भी दवाई को स्वयं नहीं लेना चाहिए। कुछ बच्चे सोचते हैं, अरे ये तो बुखार की थी, हमें उस दिन दी थी मम्मी ने, खा लें। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले इसको अपने डॉक्टर को या अपने बड़े जो घर में हैं, माता पिता हैं, उनको दिखा लेना चाहिए, उसके बाद ही दवा को लेना चाहिए। तेज धार वाले या नुकीले औजारों, घर में जैसे चाकू होता है या छुरी होती है, हंसिया होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो तेज धार वाले या नुकीले औजारों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे अपने आप चाकू लिया और कोई फल आया घर में खाने के लिए, उसको अपने आप ही छीलने या काटने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों, आपको अभी इतना तजुर्बा नहीं होता है कि कैसे काटा जाएगा, आपकी उंगली या हाथ कट सकता है, तो हम इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, बड़ों से करवाना चाहिए। फिर लगा बच्चों, कांच की वस्तुओं का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। कांच यानी शीशा, जैसे कि शीशे का गिलास है या कप है, बहुत सारी प्लेट्स वगैरह भी होती हैं, तो उनका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। ज़ोर से बंद करने से उनके शीशे टूट सकते हैं, जिससे उनका टूटा कांच आपको चोट पहुंचा सकता है ना। तो कभी कभी हम जो दर्पण होता है मुंह देखने वाला, उसको भी दौरा डाल देते हैं, बच्चे कहीं रख देते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, वो टूट के गिर जाए और आपके कहीं पैर में या हाथ में लग जाए तो आपको चोट पहुँच सकती है। अगला पॉइंट लिखा बच्चों, दिवाली जैसे त्यौहार के अवसर पर पटाखे अपने हाथ में रखकर ना छुड़ाएं। कुछ बच्चे हिम्मत दिखाते हैं, बहादुरी दिखाते हैं, हाथ में चला लेते हैं और हाथ में पकड़ कर छोड़ते हैं, ऐसा बच्चों कभी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, पटाखा हाथ में फट जाएगा, आपकी उंगली, आपका हाथ जल सकता है, आपके कपड़े जल सकते हैं। सिंथेटिक कपड़े पहनकर पटाखे न छुड़ाएं। इस प्रकार के कपड़े आसानी से आग पकड़ लेते हैं, जैसे कि अभी बताया था नायलॉन या सिल्क या टेरिलॉन जो कपड़े हैं, इस तरह कपड़े पहनकर हमें पटाखे नहीं चलाने चाहिए। अधिकतर सूती कपड़े पहनकर और ढीले ढाले कपड़े ना पहने पटाखे लाते समय ये भी होना चाहिए। पटाखे छुड़ाते समय एक बाल्टी में पानी भरकर पास में रखना चाहिए, जैसे बाई चांस अगर आग वाग लग जाती है बाई चांस, तो हम उसको पानी डाल के बुझा सकें। आगे देखो क्या लिखा है बच्चों, पढ़ते हैं। अब है देखो, सड़क पर चलते समय किन हमें नियमों का पालन करना चाहिए सुरक्षा के। अभी तो घर में हमें जो नियम बरतने चाहिए वो हमने समझाए थे, अब देखो सड़क पर तो इसका पहला बिंदु बच्चों, सड़क पर खेलना एवं दौड़ना नहीं चाहिए। कुछ बच्चे सड़क पर वॉलीबॉल खेलने लगते हैं, गेंद से खेलने लगते हैं या दौड़ के खेलने लगते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सड़क सदैव सड़क पर बाईं ओर चलना चाहिए। हमारा को चलने का जो रास्ता है वो बाईं ओर है, तो हमें हमेशा अपनी जो साइड होती है उस पर चलना चाहिए। पैदल चलते समय सड़क को सुरक्षित स्थान यानी कि जेब्रा क्रॉसिंग जैसे कहते हैं, जहाँ सफ़ेद धारियाँ सड़क पर बनी होती हैं, वहाँ पर हमें सड़क पार करनी चाहिए। यदि जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो दोनों ओर देखकर सड़क पार करनी चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं देखते नहीं हैं और सीधे सीधे चलना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले दोनों तरफ देख लो, और सड़क पर पार करते समय भागना भी नहीं चाहिए। लिखा भी है, सड़क को कभी भी दौड़कर पार नहीं करना चाहिए। अगला बिंदु है, चलती हुई बस में ना तो चढ़ें और ना ही उससे उतरें। बस के रुकने पर ही बस से उतरें या चढ़ें। कुछ लोग चलती हुई बस पर चढ़ते हैं, चलती हुई बस से उतर जाते हैं, तो इससे भी हमें चोट लगने का डर रहता है। और
सड़क में जब हम सवारी कर रहे होते हैं किसी बस में, तो हमें अपने अंगों को ही बाहर नहीं निकालना चाहिए। बिंदु इसमें लिखा नहीं है शायद, लेकिन फिर भी हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। इसमें लिखा है सड़क पार करने के लिए यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। यातायात के जो भी नियम है, बाएँ चलें, ज़ेबरा क्रॉसिंग से रोड पार करें, जो ट्रैफिक लाइट्स हैं उनका पालन करें, इन सबका नियम का हमें पालन करना चाहिए। अगर लिखा है जो चलते हुई बस से शरीर का कोई अंग बाहर ना निकालें। कुछ लोग ऐसे बाहर को अपना हाथ निकाल कर बैठ जाते हैं, बाहर से निकाल कर देखने लगते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। यदि सड़क पर ओवरब्रिज बना हो, यानी कि पुल बना हो, तो सड़क पार करने के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए। यदि आप साइकिल चला रहे हैं तो मुड़ने से पहले संकेत देना चाहिए। आप साइकिल में इंडिकेटर तो लगे नहीं होते हैं, तो हमें हाथ से संकेत देना चाहिए बाएँ मुड़ना है कि दाएँ मुड़ना है, उस तरफ हमें हाथ से इशारा करके तब मुड़ना चाहिए। ये तो हो गया बच्चों सड़क के नियम। अब बहुत सारे बच्चे देखो विद्यालय में पढ़ते हैं, विद्यालय में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो विद्यालय में भी कुछ सुरक्षा के नियम होते हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो वो क्या क्या, चलिए नज़र डालते हैं। देखो लिखा है विद्यालय में, तो बच्चे विद्यालय में बहुत समय तक रहते हैं, 4-5 घंटे 6 घंटे तक बच्चे विद्यालय में रहते हैं, उन्हें विद्यालय में भी चोट लग सकती है, अतः उन्हें वहाँ पर भी कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। अब वो क्या नियम है, बिंदुवार नीचे दिए हुए हैं, देखिए लिखा है कक्षा में नहीं खेलना चाहिए। कोई वैसे कक्षा में खेलते हैं, कोई बेंच टकरा जाते हैं, सीट गिर जाती है, पैर भी गिर सकती है, इसलिए हमें कक्षा में नहीं खेलना चाहिए। यदि खेलना हो तो खेल के मैदान में ही खेलना चाहिए। कक्षा में रखे फर्नीचर पर उछल कूद नहीं करनी चाहिए, ऐसा करने से भी चोट लग सकती है। कुछ बच्चे इसका ध्यान नहीं रखते हैं, तो आज से उन सारे बच्चे जो सुन रहे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, इस सब बातों का ध्यान रखेंगे। छुट्टी होने पर अपने सहपाठियों को धक्का ना दें। कुछ बच्चे छुट्टी होने पर अनाप शनाप भागते हैं, तेज़ी से भागते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने अध्यापक की अनुमति के अनुसार ही लाइन से और धीरे धीरे अपनी कक्षा से निकलना चाहिए। सीढ़ियों पर दौड़ नहीं लगानी चाहिए। कुछ बच्चे सीढ़ियों पर तेज़ी से उतरते हैं, तेज़ी से चढ़ते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है बाई चांस आपका पैर फिसल जाए, तो आपको चोट लग सकती है, आप गिर सकते हैं। अगले कहा देखो छठा बिंदु, स्कूल की छत पर भागदौड़ नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको चोट लग सकती है, आप फिसल के गिर सकते हैं, या दूसरे बच्चे से टकरा सकते हैं, तो उसको भी चोट लग सकती है, इसलिए छत पर हमें दौड़ भाग नहीं करनी चाहिए। नंबर 7 है अपने बस्ते में नुकीली तेज धार वाली चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। कभी कभी कुछ बच्चे जो प्रकार होता है या डिवाइडर होता है, उसको बस्ते में ऐसे खुला छोड़ देते हैं, ऐसे रख लेते हैं, बॉक्स में नहीं रखते, तो बाई चांस की या कहीं चाकू रख लेते हैं कुछ बच्चे, तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं रखनी चाहिए। बाई चांस वो बाइक को आपके फाड़ भी सकता है, वो आपके भी चुभ सकता है, इसलिए प्यारे बच्चों नुकीली चीज़ों को या तेज धार वाली चीज़ें हैं चाकू जैसी, उनको हमें बस्ते में ऐसे खुला नहीं रखना चाहिए। ये तो स्कूल में हमें सावधानी बरतने की बात हो गई। अब हम बाहर मैदान में खेलने भी जाते हैं, बाहर भी निकलते हैं, तो वहाँ भी हमें सावधानियाँ बरतने की आवश्यकता है। तो लिखा है बच्चों खेल के मैदान में, अब खेल के मैदान में हम क्या सावधानियाँ बरतेंगे, उनको ध्यान से समझें। लिखा है आपको प्रतिदिन खेलना चाहिए, खेलने के लिए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। अब कौन से नियम है खेल के मैदान में जिन्हें हमें समझना चाहिए, पालन करना चाहिए, बच्चों ध्यान से समझें। नंबर 1 लिखा है देखिए, खेल के मैदान में ही खेलना चाहिए। कुछ लोग इधर उधर साइड से खेलते हैं, गलियों में खेलते हैं, सड़कों पर खेलते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सावधानी से खेलना चाहिए, आप खेल रहे हैं तब भी सावधानी बरतनी चाहिए। कोई बच्चे असावधानी से खेलते हैं, अनाथ अनाथ दौड़ते भागते हैं, तो ठोकर लग सकती है, गिर सकते हैं, दूसरे से टकरा सकते हैं, तो भी आपको चोट लग सकती है। इसलिए खेलते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए, खेल के जो नियम होते हैं उनका पालन करना चाहिए। अगर लिखा है किसी को गेंद बल्ला या स्टिक नहीं मारनी चाहिए। कभी कभी बच्चे खेलते खेलते झगड़ जाते हैं, तो एक दूसरे को बल्ला मार देते हैं, स्टिक मार देते हैं, गेंद है वही मार देते हैं, जो भी हाथ में है वो मार देते हैं। बच्चों ऐसा नहीं करना चाहिए, खेल के नियम के विरुद्ध है। आगे देखो अगला कौन सा बिंदु है, नंबर 4 लिखा है नुकीले तारों या कांटेदार झाड़ियों के पास नहीं खेलना चाहिए। कहीं कहीं कुछ लोग अपने खेत या अपने जो बगीचे होते हैं उनकी बाड़ में तार लगा देते हैं चारों तरफ नुकीला, या फिर झाड़ियाँ होती हैं कांटेदार, उनके आसपास नहीं खेलना चाहिए। बाई चांस वो हमारे चुभ जाएँ, लग जाएँ धोखे में, तो उससे हमें चोट लग सकती है। फिर नंबर 5 लिखा है झूले से या फिर शीशा पर बारी बारी से खेलना चाहिए। झूला है या कोई शीशा झूलने की कोई वस्तु होती है, कोई आइटम होता है, उस पर हमें बारी बारी से खेलना चाहिए। अनाप शनाप धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए, इससे भी चोट लगने का डर रहता है। ये तो बच्चों हमें नियम हो गए खेल, मतलब सुरक्षा के नियम, हमें क्या क्या अपनाना चाहिए वो सब हमने बताए। अब लिखा है प्राथमिक सहायता। अगर बाई चांस
कोई दिक्कत हो जाती है खेलते समय स्कूल में या बाहर या घर में, तो देखो हमें क्या हमें जो उपचार हैं वो करने चाहिए, क्या हमें प्राथमिकता अपनानी चाहिए, उसके भी कुछ नियम यहाँ पर दिए हुए हैं, उनको भी हम ध्यान रखेंगे। लिखा है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी को दी जाने वाली सहायता को प्राथमिक सहायता कहते हैं। दुर्घटना होने पर निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी को बाई चांस चोट लग जाए या कुछ हो जाए तो हमें क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, वो देखो लिखा हुआ है। लिखा है नंबर 1, सबसे पहले तो हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर हमें चोट लग जाए, किसी और को चोट लग जाए या कोई दिक्कत हो जाए तो घबराना, खुद भी नहीं घबराना चाहिए और जिसको दिक्कत हुई उसको भी हमें हिम्मत बंधानी चाहिए। फिर लगा रोगी के चारों ओर भीड़ नहीं लगानी चाहिए, वरना वो तो घबरा जाएगा, इतनी भीड़ लगी इसका मतलब मुझे कोई गंभीर चोट लगी है तो घबरा जाएगा, इसलिए रोगी के आसपास ज़्यादा भीड़ ना लगे, एक दो लोग रहें जिससे उसकी प्राथमिक उपचार कर सकें। यदि रोगी के किसी अंग से रक्त बह रहा हो यानी खून बह रहा हो चोट लगने पर, तो उस भाग को साफ रुमाल या पट्टी से कसकर बांध देना चाहिए जिससे कि खून रुक जाए। यदि व्यक्ति अधिक घायल हो गया है, अधिक चोट लग गई, ज़्यादा चोट लग गई है, तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। घायल व्यक्ति को इस प्रकार बैठाइए या लिटाइए कि रक्त का बहने वाला जो भाग है वो ऊंचा रहे जैसे कि खून कम निकले। प्राथमिक चिकित्सा करने में देर नहीं करनी चाहिए, जो प्राथमिक उपचार है वो तुरंत हमें जल्दी जल्दी उनको दे देने चाहिए। अब ये तो हमने बच्चों प्राथमिक उपचार बताया, आपके लिए कुछ नियम बताए। अब देखिए इसमें कुछ याद रखने योग्य बातें हैं, कुछ स्मरणीय तथ्य हैं जिनको हमें हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए, बैठा लेना चाहिए, हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। तो नंबर 1 है, किसी व्यक्ति के अचानक चोट लगने को दुर्घटना कहते हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रायः दुर्घटनाएं लापरवाही जल्दबाजी के कारण होती है, हमें अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए, इसलिए जल्दबाजी ना करें, लापरवाही ना बरतें। दुर्घटनाएं रोकने के लिए सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, हमें घर पर भी सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। पैदल चलते समय किसी को जेब्रा क्रॉसिंग से पार करना चाहिए, चलती बस से उतरना या चढ़ना नहीं चाहिए, इससे हमें गिरने का डर रहता है, चोट लग सकती है। खेल के मैदान में ही खेलना चाहिए, कभी गली या सड़क में नहीं खेलना चाहिए। डॉक्टर के आने से पहले दी जाने वाली सहायता प्राथमिक सहायता कहलाती है, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा करने में देर नहीं करनी चाहिए। जो भी आपके पास सुविधा है, कोई मरहम है, कोई ट्यूब है जिसे हम ऑइंटमेंट कहते हैं, या कोई पट्टी है, साफ कपड़ा है, उससे हमें उसकी चोट को तुरंत बांध देना चाहिए। तो ये सारी बातों का हम ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों। हमें उम्मीद है आपको इस चैप्टर से, यानी कि सुरक्षा के जो नियम जो पाठ है, इससे काफ़ी जानकारी मिली होगी और आपने धीरे धीरे पढ़ना भी थोड़ा थोड़ा सीखा होगा। तो हमें आज से उम्मीद है सारे बच्चे इन नियमों का पालन करेंगे और अपने आसपास की जो दुर्घटनाएँ होने वाली हैं उनसे दूसरों को ही अवगत कराएंगे, उनको भी ये नियमों के बारे में बताएंगे और ख़ुद भी इनको अपनाएंगे, जिससे आपके जीवन में कोई ऐसी दुर्घटना ना घटे जिससे आपको चोट लगे या हानि पहुंचे या आपके परिवार वालों को दुख हो। तो प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है आपको ये सब पसंद आया होगा और आप इन सब बातों का बखूबी अपने जीवन में निर्वहन करेंगे, पालन करेंगे और उनको अपनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर जरूर करिए, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदार को जरूर भेजिए, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या फिर फेसबुक के माध्यम से। और आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए, ऐसी जानकारी हासिल करने के लिए, ऐसे सुरक्षा के नियम के और इसके अलावा और भी बहुत सारे नियम, उनको सब जानने के लिए और ये सब हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठिया के साथ में। और इसी तरह से हम आपको अच्छा अच्छा और भी कुछ देने का प्रयास करते रहेंगे। अगली वीडियोज़ के लिए आपसे विदा लेना चाहते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।